नमस्कार, एक बार फिर से जोरदार जोश और उमंग के साथ आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक इस्तकबाल करते हैं आपके अपने काव्य परिवार के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, पिछली कक्षा में हम लोग शुरुआत कर चुके हैं घातांक और करणी की। कुछ नियमों पे हमने चर्चा की, जिसमें घातांक और करणी के कुछ नियम हमने जाने। कुछ नियमों के बाद पार्ट ए के बारे में हमने बात की। बहुत ही आसान आपके लिए हुआ होगा, आपने देखे होंगे उसके क्वेश्चन, किसी भी गाइड में किसी भी बुक में आपको उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे पार्ट ए में। पार्ट बी के सिर्फ मैंने आपको फॉर्मेट बताए थे और फॉर्मेट बताने के बाद आपको सस्पेंस में रख दिया था। सस्पेंस होना भी जरूरी है। आज उन्हीं पार्ट बी के खुलासों के साथ बढ़ाते हैं इस पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले को आगे, और आप देखेंगे किस तरीके से हम लोग सवालों का ऑपरेशन करने जा रहे हैं, कैसे हम लोग खतरनाक से खतरनाक दिखने वाले सवालों को यूं सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, जब बात आती है क्वेश्चंस की, तो पार्ट बी हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। पार्ट बी के अंदर हम लोग जान रहे थे कैसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन किए जाएं। और पार्ट बी की अगर हम लोग बात करें, तो पार्ट बी में आने वाली जो सीरीज होती है, पार्ट बी में जो आने वाली सीरीज होती है वो अनंत तक होने वाली है। यानी कि अंडर रूट में, लगातार अंडर रूट में आने वाली संख्या है, या तो प्लस में हो सकती है, या माइनस में हो सकती है, या गुणा में हो सकती है, या प्लस से शुरू होकर के माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, या माइनस से शुरू होकर के माइनस प्लस, माइनस प्लस, इस तरीके से वो संख्याएं जा सकती है। एक एक करके आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करने वाले हैं, एक एक बात आपको बताएंगे और कैसे उन्हें अंजाम तक पहुंचाना है, कैसे उन्हें आसान से आसान बनाया जा सकता है, कैसे उन्हें चंद सेकंडों में सॉल्व किया जा सकता है, इस बात पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पार्ट बी के अंदर अगर हम लोग बात करें, तो क्वेश्चन के साथ आपसे चर्चा की जाती है। देखिए, क्वेश्चन जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं, बहुत आसान हो सकता है आप में से अधिकांश लोगों को इसके बारे में पहले पता हो, लेकिन आप देखिएगा जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत से खुलासे, ना जाने कितने खुलासे ऐसे होंगे जो आज पहली बार आपके सामने हो रहे होंगे, तो देखते रहिए। देखिए, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आया जिसमें लिखा हुआ है अंडर रूट 6, जिसमें लिखा हुआ है साहब अंडर रूट 6, प्लस उसी में लिखा हुआ है अंडर रूट 6, प्लस इसी में लिखा हुआ है अंडर रूट 6, प्लस इसी में लिखा हुआ है अंडर रूट 6, और यही बात निरंतर चलती जा रही है, और बात आ रही है कहां तक, अनंत तक, और बात आ रही है अनंत तक, और इसी को सॉल्व करने के लिए हमसे कहा गया है इसका मान बताइए, इसका मान हमें बताना है, इसका मान क्या होगा। तो बचपन से हम एक बात को समझते हुए आए हैं, और नहीं समझिए तो अब मैं आपको समझाता हूं, आप समझिए कि अगर कोई भी फॉर्मेट इस तरीके से हमें दिया हो और उसकी वैल्यू अनंत तक इस तरीके से दे रखी हो, हम इस पूरे फॉर्मेट को x के बराबर में मान लेते हैं, हम इस पूरे फॉर्मेट को x के बराबर मान लेते हैं, और x के बराबर जब हम इसे मान लेते हैं तो हमारा यहां पर मान आएगा x बराबर अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 और प्लस अंडर रूट में 6, और यही सिलसिला, यही कारवा जाएगा अनंत तक। अब आप देखिए, अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं, ये यहां से यहां तक की बात करूं, तो इस बात को आप जब देखेंगे, इस बात को देखने पे आपको क्या लग रहा है, अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6, और यही बात जा रही है कहां तक, अनंत तक, प्लस अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6, और यही बात जा रही है अनंत तक। अरे ये तो वही है जो दिया गया था, यानी कि जो दिया गया था ये उसी की फॉर्मेट का हमें दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना हम इसी को किससे विस्थापित कर दें, x से। हमने माना x बराबर ये मान है और हमें ये भी तो वही दिखाई दे रहा है, तो इसी के बजाय हम लोग लिख देते हैं क्या, x। तो जब आप x से इसे बदलते हैं तो आपके पास हो जाता है x बराबर अंडर रूट में 6 प्लस हो जाएगा आपका x। इस तरीके से आपके सामने एक बात निकल के आती है, और हम जानते हैं कि कभी भी अगर हमें किसी भी पद पे अंडर रूट लगा हुआ है, उसे हमें हटाना है, तो हमें करना क्या चाहिए वहां पर, स्क्वायर। यानी कि अगर मैं दोनों तरफ, कर देता हूं स्क्वायर, तो आप देखेंगे इधर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पर अगर एक्स स्क्वायर होता है तो बराबर में आ जाएगा अंडर रूट में 6 प्लस, सॉरी अंडर रूट हट जाएगा और यहां पर आ जाएगा 6 प्लस एक्स, यहां पर आ जाएगा 6 प्लस एक्स। तो आप देखेंगे अगर मैं इनको एक तरफ ले जाता हूं तो यहां बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6 बराबर 0, और ये बन जाती है आपके सामने एक द्विघात समीकरण, और ये बन जाती है आपके सामने एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने के तरीके तो आप जानते ही हैं, या तो आप इसके गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व कीजिए, या तो आप इसको गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व कीजिए, या हमारी एकमात्र
विधि जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य विधि। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो इसमें बैठेगा वो दो x के दो मान आपके पास यहाँ पर निकल के आएंगे, एक तो प्लस का 3 आएगा, एक माइनस का 2 आएगा, एक आएगा आपका प्लस का 3 और एक आएगा आपका माइनस का 2। तो आप यहाँ पर देखिए, कभी भी अंडर रूट में रखी हुई, कभी भी अंडर रूट में, इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी अंडर रूट में रखी हुई संख्या का मान कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, इसलिए माइनस को तो हमें करना पड़ेगा कैंसिल और हमारा जो जवाब होगा वो होगा प्लस का 3, यानी कि इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3। लेकिन जब आप परीक्षा में बैठे हैं, आपके सामने इस तरीके से सवाल आता है और इस तरीके से अगर आप सॉल्यूशन करने लग गए तो आप जानते हैं ये काफी लंबा और बड़ा हो जाएगा, हमें टाइम लग जाएगा। लेकिन चिंता ना करें, आपको इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं करना है, ये तो एक तरीका है जिससे मैंने आपको समझाया। अब देखिए जब भी आप ऐसे कोई संख्या आपको दी गई है और ऐसी संख्या के आप टुकड़े करने की कोशिश करें, जब आप देखेंगे ऐसी संख्या के आप टुकड़े करने की कोशिश करेंगे, छह के जब आप टुकड़े करें तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो टुकड़े इस प्रकार से हो, दोनों का डिफरेंस एक आ जाए। अभी सिर्फ वही करना है जो मैं कह रहा हूं, अपना दिमाग आपको नहीं लगाना है। आप जब वीडियो के अंत तक पहुंचेंगे तो देखिएगा कोई ऐसा सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट ही नहीं बचा होगा जो आपके माइंड में रह जाए। तो देखिए, अभी आपको ये करना है 6, और 6 के गुणनखंड आपको इस तरीके से करने हैं, 6 के गुणनखंड आपको इस तरीके से करने हैं, 6 के गुणनखंड आपको इस तरीके से करने हैं कि वहां पर अंतर आ जाए 1। जब आप 6 के टुकड़े करोगे तो 2 × कितना आ जाएगा आपके पास, 3। 2 × 3 दी गई संख्या के गुणनखंड, 2 दी गई संख्या के टुकड़े इस प्रकार से करने की डिफरेंस आपके सामने 1 आ जाए। तो देखिए आंसर देने का तरीका क्या होगा, हमने कहा आपके सामने जो फर्स्ट फॉर्मेट रखा हुआ था, वो कुछ इस तरीके से था, x आपको दे रखा है प्लस अंडर रूट का x आपको दे रखा है और ये दिया जा रहा है कहां तक, अनंत तक। अब देखिए एक बात आप लोग जानते हैं, एक बात आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, प्लस जो होता है ये शो करता है बड़े को, जो बड़ा होता है वो, और माइनस जो होता है वो शो करता है आप किसको, छोटे को, जो छोटा होता है। प्लस शो करता है बड़ा को और माइनस शो करता है किसे, छोटे को। प्लस शो करता है बड़े को, माइनस शो करता है छोटे को। तो आप देखिए दी गई सीरीज किस में है, दी गई सीरीज चल रही है प्लस में, दी गई सीरीज अगर प्लस में है और आपने संख्या के दो टुकड़े इस तरीके से कर लिए हैं कि दोनों का अंतर कितना आ जाए 1, तो बड़ा वाला टुकड़ा, जो बड़ा वाला टुकड़ा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यानी कि इस बात का आंसर आप लगातार दे सकते थे, डायरेक्ट भी दे सकते थे, इसका आंसर आएगा कितना, 3, क्योंकि सीरीज चल रही है किसमें, प्लस में। मान लीजिए सीरीज प्लस में ना जा करके माइनस में जा रही होती, और अगर माइनस में जा रही होती तो माइनस तो छोटे को प्रदर्शित करता है। इस बात से हमें याद रख लेना है कि 6 के टुकड़े हुए 2 × 3, दोनों का डिफरेंस आया 1, दोनों का अंतर आया 1, और इसी के कारण अगर माइनस आया तो छोटा वाला टुकड़ा हमारा आंसर होता, आंसर कितना होता, 2 आंसर होता उस कंडीशन में आपका, कितना, 2। क्वेश्चन लिख करके हम लोग इस बात के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख करके हम लोग इस बात के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख देता हूं। मान लीजिए अंडर रूट में आ गया आपके सामने 12, अंडर रूट में आपके सामने 12 आ गया, माइनस का अंडर रूट में 12, माइनस अंडर रूट में 12, और ये बात आपके सामने जा रही है कहां तक, अनंत तक, ये बात आपके सामने जा रही है अनंत तक। अब आप इस 12 के टुकड़े करेंगे, आप इस 12 के टुकड़े इस तरीके से करें, इसके गुणनखंड इस तरीके से करें कि इनके बीच का अंतर 1 आ जाएगा। आप कहेंगे सर 3 × 4, 3 × 12 होता है, दोनों का अंतर 1 होता है, सीरीज चल रही है किसमें, माइनस में, और क्योंकि सीरीज माइनस में चल रही है, माइनस तो छोटे का प्रतीक होता है, कम का प्रतीक होता है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा कितना, 3, और आप फटाफट से 3 को आंसर लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे लिखते हैं, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा बिना पेन उठाए, बिना पेन रखे, किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन किए बिना आपको अपने मन में जवाब सोच लेना है। देखिए कुछ क्वेश्चनों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और फिर देखिए बारी बारी से कैसे सारे क्वेश्चन हमारे चंद सेकंडों में सॉल्व होने लग जाएंगे। हम मिनटों की बात तो कर ही नहीं रहे, हमें मिनटों की बात तो करनी ही नहीं है, हमें तो बातें करनी है सिर्फ सेकंडों में। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है अंडर रूट में 90 प्लस अंडर रूट में 90, आधे से ज्यादा लोगों के जवाब तो आ ही गए होंगे, आप में से आधे से ज्यादा लोगों के जवाब आ चुके होंगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, और आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहे होंगे।
देखिए इस तरीके से आपके पास सीरीज चल रही है, मान लीजिए अंडर रूट में 90 है, हम लोग यहाँ पर अगर बात करें मान लीजिए 132 माइनस अंडर रूट में है 132 माइनस अंडर रूट में आता है 132 माइनस, और इसी तरीके से अंडर रूट में 132 और यही सिलसिला चलता जाता है अनंत तक, यही सिलसिला अगर चलता जाता है अनंत तक, अनंत तक जाने के बाद अगर बात की जाए मान लीजिए 56 प्लस अंडर रूट में 56 प्लस अंडर रूट में 56 प्लस, और ये सिलसिला जाता है अनंत तक, अनंत तक अगर ये बात जाती है तो हम लोग इसके सॉल्यूशन कितनी आसानी से कर सकते हैं। देखिए 90 का सॉल्यूशन, 90 के टुकड़े इस तरीके से करने हैं, 90 के गुणनखंड, 90 के टुकड़े, 90 के गुणनखंड कुछ इस तरीके से करने हैं कि बहुत ही हमें अंतर सिर्फ कितना दिखाई दे एक, और बहुत ही आसानी से आप इसके गुणनखंड कर सकते हो। 90 का मतलब होता है 9 × 10, और 9 × 10 करने के बाद हमें देखना है सीरीज में चलने वाला चिन्ह कौन सा होगा, हमें देखना है सीरीज में चलने वाला चिन्ह कौन सा होगा। और जब आप देखेंगे सीरीज में चलने वाला चिन्ह तो प्लस है, और प्लस तो बड़े का प्रतीक होता है, बड़े का प्रतीक होने के कारण यहां पर जो आपका आंसर होगा वो होगा 10, आपका आंसर होगा 10, क्योंकि 9 और 10 में से बड़ा कौन है 10। अगर आप देखेंगे 132 चल रहा है, और 132 के टुकड़े अगर आप कर पा रहे हो उस तरीके से कि दोनों का अंतर आ जाए एक, तो आप देखिए अगर 11 को गुणा कर दिया जाए 12 से, यानी कि 11 × 12 11 × 12 जब आप करेंगे तो दोनों का अंतर कितना आ जाता है एक आ जाता है, 11 को 12 से गुणा करने पे एक अंतर आएगा। सीरीज में दिया गया चिन्ह तो माइनस है, और माइनस तो छोटे को दर्शाता है, माइनस अगर छोटे को दर्शाता है तो इसका मतलब छोटा वाला टुकड़ा 11 ही आपका क्या होगा आंसर होगा। आप देखेंगे 56 के टुकड़े आप कीजिए 7 × 8 7 × 8 जब आप करेंगे तो दोनों का डिफरेंस एक ही आ रहा है, और अगर दोनों का डिफरेंस एक आ रहा है तो आप देखिए सीरीज में चलने वाला चिन्ह कैसा है, आप देखेंगे सीरीज में चलने वाला चिन्ह प्लस है, और प्लस होने के कारण प्लस तो बड़े को दर्शाता है, और बड़े को दर्शाने के कारण बड़ा वाला टुकड़ा ही आपका क्या होगा आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, देखिए कितना आसान हमने इसको बना लिया, अभी तो केवल शुरुआत है। देखिए आप एक एक सीरीज जो आपको लिखवाई थी वो सारी की सारी आपकी आंखों के सामने कैसे बिखर जाएगी, कैसे चंद सेकंडों में आप लोग सोल्व कर लेंगे देखते जाइए। तो ये हमने पहली वाली बात की, यानी कि हम लोगों ने देखा इस तरीके से होगा तो बड़ा वाला टुकड़ा आंसर होगा, इसका आंसर तो होगा बड़ा वाला टुकड़ा। सेकंड बात हमने की थी इस तरीके से x माइनस में अंडर रूट x, माइनस में अंडर रूट x, ये वाली बात थी, और इसका आंसर ये अनंत था, इसका आंसर होगा छोटा छोटा। ये तो तब पॉसिबल है, ये वाली बात भी तब पॉसिबल है, हम लोग क्या कह रहे हैं जब गुणनखंड का अंतर कितना हो एक, यहीं पे लिख देता हूं मैं, जब x के गुणनखंड का अंतर एक हो, जब x के गुणनखंडों का अंतर एक हो, ये डिब्बे में पैक कर देते हैं ताकि आपको बहुत हाईलाइट होकर के वो दिख जाए। देखिए अब चलते हैं अगली बातों पर, अभी तो सिर्फ दो सीरीज कंप्लीट हुए, दो में भी कंप्लीट बात हमने नहीं की, आप देखते जाइए सारी चीजें कितनी आसानी से आप लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर चर्चा की जाए अभी हम लोग उस बात पे भी आएंगे, आप में से मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा सर अगर टुकड़े हमने किए, टुकड़े करने पर एक नहीं आया तो क्या हुआ, तसल्ली रखिए सारी बातें आपको यहीं पे मिल जाएगी, सारी की सारी बातें वीडियो के एंड तक आपका एक डाउट ही नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप देखिएगा, आप देखिए इसके बाद अगर आप देखें, इसके बाद अगर आप देखें तो मान लीजिए यही सीरीज आपके सामने चलती रहे अंडर रूट में x इंटू अंडर रूट में x, सबसे सीधी सीरीज है ये, इसमें आपको कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और यही बात चल रही है आपके सामने कहां तक, अनंत तक, यही बात आपके सामने चल रही है अनंत तक। जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, जितने भी सभी एग्जामिनेशन में जहां जहां गणित आ रही है वहां पर घातांक और करणी पूछी जाती है, और घातांक और करणी में ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं, जितने भी फॉर्मेट आपके सामने चल रहे हैं, ये सबसे फेवरेट फॉर्मेट में से एक है। आप देखिए कल जो कक्षा हुई, यानी कि जो पहले इससे पिछली वाली जो वीडियो हुई उसमें अगर आप देखोगे और इसमें आप देखोगे तो ये सारी बातें अगर आपको कंठस्थ है, इससे पहले वाली जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, अगर आप एक एक दो दो बार वीडियो देखें और देख करके आप इन बातों को कंठस्थ कर लेते हो तो पेपर आपके लिए बिल्कुल मजाक होकर रह जाएगा। देखिए इसकी बात अगर हम लोग करें तो इस बात को देखते हैं, तो देखिए उदाहरण से हम लोग एक सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके सामने दे रखा है अंडर रूट में 5, अंडर रूट में दे रखा है 5 गुणा अंडर रूट में दे रखा है मान लीजिए 5, फिर गुणा अंडर रूट में दे रखा है मान लीजिए 5, और ये बात जा रही है अनंत तक। इस बात को
अगर आपको सोल्व करना है तो हम इस बात को मान सकते हैं ये किसके बराबर हो जाएगा, x। हम इस बात को x के बराबर मान लेते हैं, हमने इसको x के बराबर माना, x के बराबर मानने से हमारे पास क्या हो गया अंडर रूट में 5। अब आप मुझे बताइए, मैं यहीं पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए ये भी तो वही है, चाहे आप शुरू से देखिए चाहे आप यहां से देखिए ये भी तो वही है, यानी कि इसी बात को तो हमने x माना है अंडर रूट में 5 इनटू अंडर रूट में 5 कहां तक जा रहा है अनंत तक, तो मैं क्यों ना इस बात के बजाय 5 को तो वहीं रहने दूं, क्यों ना इस बात को ही मैं x लिख दूं, तो इस बात को जब आप x लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 इनटू x, यहां पर आ जाएगा 5 इनटू x। अब आप यहां पर देखेंगे, अब आप जब यहां पर देखेंगे तो हमें अगर अंडर रूट हटाना है, हमें अगर इसका अंडर रूट हटाना है, हमें अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, हमें यहां पर स्क्वायर किया कितना जाएगा x स्क्वायर, और उधर बच जाएगा कितना 5x, कितना हो जाएगा 5x। अब देखिए ये 5x इधर आके माइनस हो जाएगा, 5x इधर आके माइनस होगा तो x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 0, और यहां से x के दो मान आपके सामने निकल जाएंगे, x के दो मान आपके सामने निकल जाएंगे, x का मान 5 भी आएगा और कितना आएगा 0। कई बार विद्यार्थी, कई बार आप लोग गलती ये करते हैं, आप ही नहीं कई लोग, कई पुस्तकों में भी ये दे दिया जाता है कि x बराबर यहीं से, x से आप x को काटते हो, x का मान 5 आ जाता है। पहली बात तो ध्यान होना चाहिए, ये बनने वाली समीकरण एक द्विघात समीकरण है, बनने वाली समीकरण अगर द्विघात समीकरण है तो उसके दो संभव मूल होते हैं, और दो संभव मूल अगर होंगे यहाँ पर तो देखिए x का मान 5 और 0 दोनों ही बनेगा, ध्यान रखिएगा x का, बैंक में, बाकी की परीक्षाओं में तो फिर भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता, बैंकिंग की परीक्षाओं में इन छोटी छोटी सी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर कोई बैंकिंग का विद्यार्थी और जो मुझे इस वक्त देख रहा है, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं गलतियों से बचने का आप इन्हीं गलतियों से बचने की आपको आवश्यकता है, इन्हीं चीजों की वजह से एग्जामिनर गेम खेल जाता है जो आपको पता नहीं होता। देखिए x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0 था, यहीं पे कई विद्यार्थी क्या करते हैं x से x काटते हैं, x बराबर क्या लिख देते हैं 5 आ गया आंसर, x का मान 5 है, नहीं यहाँ पर दो मान हो सकते हैं भाई, x का मान आपके पास 5 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, तो याद रखिएगा। अब लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर इस पूरी सीरीज का मान 0 तो होने से रहा, इसका मतलब 0 यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर x के मान 2 हो सकते हैं, x के मान 2 हो सकते हैं, यहाँ आंसर भले 0 नहीं हो सकता लेकिन x के दो संभावित मान है, 0 तो अब यहाँ पर आंसर होगा नहीं, इसका मतलब आंसर कितना आएगा 5, आपका आंसर कितना आएगा 5। अब आप देखिए आपके सामने अगर इस तरीके से कभी भी फॉर्मेट दिया हुआ है x into x into x कहां तक गया अनंत तक, पिछली कक्षा में पिछली वीडियो में जो आपने देखा था वो जो x आ रहा था वो कुछ पदों तक था, 4 या 5 पदों तक, जिसमें आपको बताया गया, पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अब इसकी बात करें तो ये अनंत तक आ रहा है, इसका आंसर तो डायरेक्टली कितना लगा देना है आपको x, इसका आंसर आपको डायरेक्टली लगा देना है x, x आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद अगर बात की जाए सर क्या हो, देखिए तीन फॉर्मेट हमने कर ली अभी, 1, 2 और 3, जब x प्लस x प्लस x अंडर रूट में x चल रहा है अनंत तक सीरीज आ रही है, आपको टुकड़े करने इस तरीके से कि दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1, और प्लस है तो बड़ा टुकड़ा, माइनस है तो छोटा टुकड़ा, गुणा में आ रहा है तो x का x ही आंसर होगा। लेकिन क्या हो जब इनके गुणनखंडों का अंतर कितना हो 1 ना हो, जब इनके गुणनखंडों का अंतर 1 नहीं हो तो क्या करेंगे। देखिए कभी भी अगर ऐसा होता है कि इनके गुणनखंडों का अंतर आपके सामने 1 नहीं आता है, अगर आपके सामने इनके गुणनखंडों का अंतर 1 नहीं आता है तो देखिए आप क्या करेंगे इसके अंदर, तो देखिए आप उसी द्विघात समीकरण को याद कीजिए जो हमने यहां पर बनाई थी, उसी द्विघात समीकरण को, अब वहां पर गुणनखंड विधि लागू ना होकर के लगती क्या श्रीधराचार्य विधि, जी हाँ वहां पर लगती क्या श्रीधराचार्य विधि, और वहां से दो छोटी छोटी सी बातें निकल के आती जो आपको मेंटली रट लेनी है क्या करना है। जब ये वाली बात की जाएगी, जब x प्लस अंडर रूट में x और अनंत तक मामला जाएगा, जब इस वाली बात की चर्चा होगी तो आप देखेंगे इस वाली बात को आपको करना क्या है, अंडर रूट में रखना है आपको 4x, प्लस करना है आपको 1, यहां पर करना है प्लस 1 और बटा में लिखना है आपको 2, अंडर रूट में 4x प्लस 1 प्लस 1 और बटा में लिखना है आपको 2। बात की जाए माइनस की जब आप चर्चा करेंगे माइनस में क्या होगा, अंडर रूट में आपको रखना है 4x, यहां पर आपको रखना है प्लस 1, वही सेम लेकिन यहां प्लस के बजाय आपको कर देना है माइनस, माइनस 1 और बटा में कितना आ जाएगा 2, यही सेम आपको बात कर लेनी है जब अंतर कितना ना हो 1, जो भी संख्या आपको दे रखी है उसी का 4 गुना प्लस 1 करके आपको रखना है, प्लस है तो प्लस 1, माइनस है तो माइनस 1 बटा क्या कर सकते हैं आप लोग 2, बहुत ही आसानी से आपका क्या जाएगा क्वेश्चन से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसको यहां से मिटा देता हूं मैं। देखिए तो अगर हम यहाँ पर देखें आपके सामने कोई क्वेश्चन दे रखा है, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आया सर अंडर रूट में आ गया 3, अब 3 के टुकड़े नहीं होंगे, अंडर रूट में 3 आ गया प्लस अंडर रूट में आ गया 3 प्लस अंडर रूट में आ गया 3 और ये बात जा रही है अनंत तक। अब आप देखो 3 के टुकड़े नहीं होंगे, 3 के टुकड़े नहीं होंगे तो हमें पता है कि हमें अंडर रूट में रखना है 4x, देखिए 4x यानी कि 3 का 4 गुना, 4 किया कितना होगा 12, 12 में कितना जुड़ जाएगा 1, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, यानी कि अंडर रूट में आ गया 13,
अंडर रूट में 13, अब क्योंकि सीरीज प्लस में है तो प्लस का 1 और बटा में कितना आएगा 2, यही होगा आपका आंसर, यही होगा आपका आंसर। डायरेक्टली आपको ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे और फटाफट से आपको ऑप्शन क्लिक करना है, ऑप्शन टिक करना है, गोला भरना है और आगे बढ़ जाना है। मान लीजिए इस क्वेश्चन की जगह एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेना चाहूँ, इसको रफ कर देते हैं। देखिए उदाहरण के लिए अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लेना चाहूँ, उदाहरण के लिए अगर आपके सामने लिखा हुआ है अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 7 और ये बात आ जाती है आपकी अनंतता की माइनस इस तरीके से, तो हमें पता है हमें अंडर रूट में 7 का 4 गुना कितना होगा 7 चौक 28, 28 में 1 जोड़ना है कितना जाएगा 29, 29 क्योंकि माइनस है माइनस का 1 और बटा में आ जाएगा 2, यही आपका आंसर, यही होगा आपका क्या आंसर। बहुत बेहतर तरीके से बहुत आसानी से आप सवाल कर सकते हैं। तो जब टुकड़े हो रहे हो, जब टुकड़े हो रहे हो, डिफरेंस एक चल रहा हो, तब तो प्लस में बड़ा वाला और माइनस में छोटा वाला, और जब टुकड़े नहीं हो रहे हो, जब टुकड़े नहीं हो रहे हो, तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करके, इस बात का उपयोग करके आप चंद सेकंडों में आपका आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी। बात करते हैं, देखिए तीन फॉर्मेट हमने कर लिए, 5 में से 3 फॉर्मेट हमने कर लिए, पार्ट बी हमारा चल रहा है, पार्ट बी के हमने 5 फॉर्मेट हमने देख चुके हैं। उन पांचों फॉर्मेट में से पिछले वीडियो में हमने पांचों के बारे में चर्चा की थी, केवल आपको बताया था इन फॉर्मेट के बारे में हमें चर्चा करनी है लास्ट में। तो अब हमने 3 फॉर्मेट पूरे कर लिए, जब प्लस में सीरीज चल रही हो, जब माइनस में सीरीज चल रही हो, जब गुणा में सीरीज चल रही हो, तो एज इट इज वही आंसर हो जाएगा जो संख्या दी गई है। प्लस में और माइनस में चल रही हो तो पहले टुकड़े करने की आवश्यकता करनी है, गुणनखंड करने की आवश्यकता करनी है, और कोशिश ये करनी है कि अंतर आ जाएगा 1। अगर अंतर आ जाता है 1 तो प्लस में तो बड़ा वाला और माइनस में छोटा वाला, अगर अंतर 1 नहीं आता है तो हम लोग बहुत आसानी से अंडर रूट में 4x प्लस 1 और बटा 2 प्लस 1 और माइनस 1 का उपयोग करके हम लोग आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। 3 फॉर्मेट हमने कर लिए, 2 फॉर्मेट और हमारे बचे हैं, वो 2 फॉर्मेट कौन कौन से है बात को ध्यान से समझिएगा। इन 2 फॉर्मेट के लिए क्या सूत्र बन सकता है, क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए 4th फॉर्मेट आपका जो आता है, ये आता है अंडर रूट में, मान लीजिए आपके पास आया x प्लस, फिर आ जाता है आपके पास अंडर रूट में x माइनस और अंडर रूट में x, और ये बात आपके साथ चलती रहती है कहां तक, अनंत तक, यानी कि प्लस माइनस प्लस, फिर से आ जाएगा प्लस, थोड़ा सा और लिख देते हैं प्लस, और ये आपके साथ चलता रहेगा अनंत तक, और सेम एज इट इज एक और फॉर्मेट आएगा, लेकिन वहां पर जो शुरुआत होगी वो प्लस से ना होकर के माइनस से होती है, यानी कि x माइनस अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x माइनस अंडर रूट में x, और आप देखेंगे ये बात जाएगी अनंत तक। यहाँ शुरुआत प्लस से हो रही है, इस बात का ध्यान रखें, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये होगा, यहाँ शुरुआत माइनस से हो रही है, माइनस प्लस इस तरीके से शुरुआत हो रही है। देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए डायरेक्टली आपको करना क्या है, देखिए अंडर रूट में आपको यहाँ पर करना है अंडर रूट 4x माइनस 3, अंडर रूट में 4x माइनस 3 प्लस 1, अगर प्लस है तो प्लस से शुरुआत हो रही है तो प्लस 1 और बटा में लिख देना है 2, ये आपका फॉर्मेट बनेगा, इस तरीके से आपको देखना है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस से शुरुआत ना होकर के माइनस से अगर शुरुआत हो रही है, तो माइनस से शुरुआत होने पर आप रखेंगे अंडर रूट में 4x, अंडर रूट में 4x माइनस 3 माइनस 1 और बटा में कितना हो जाएगा 2, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर हुआ क्या, 4x माइनस 3 प्लस है तो प्लस 1 बटा 2, 4x माइनस 3 अंडर रूट के अंदर माइनस है तो माइनस 1 बटा 2, इसी का उपयोग करके आपको करना है क्वेश्चन। जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिख दिया, उदाहरण पे अगर मैं लिख दूं, मान लीजिए अंडर रूट में लिख दिया 5 प्लस अंडर रूट में लिख दिया 5 माइनस अंडर रूट में लिख दिया 5 प्लस अंडर रूट में लिख दिया 5, और यही सिलसिला जा रहा है कहां तक, अनंत तक, यही सिलसिला आपका जा रहा है कहां तक, अनंत तक। तो आप इस बात को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमें पता है अंडर रूट में 4x माइनस 3, अब देखिए 4x ये जो 5 है यही तो किसका काम करेगा, x का, ये जो 5 है यही तो x का काम करेगा, 4x का मतलब है 5 का 4 गुना, 5 का 4 गुना करोगे 5 चौक कितना होगा 20, 20 में से घटाना है कितना 3, और 20 में से जब आप 3 घटाएंगे, 20 में से 3 घटाने पर आपका आ जाएगा कितना 17, तो अंडर रूट में आया आपके पास कितना 17, 4x माइनस कितना था 3, 5 चौक 20 माइनस 3 कितना हो जाएगा 17, और क्योंकि प्लस है, प्लस से शुरुआत हो रही है, प्लस से शुरुआत हो रही है तो प्लस 1 और बटा में कितना आ जाएगा 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ रही होगी, पांचों फॉर्मेट है, पांचों फॉर्मेट आपके बहुत बेहतर तरीके से हो चुके हैं। एक सवाल और लेते हैं और फिर समाप्त करते हैं इस सिलसिले को, पार्ट बी का भी सिलसिला आपके लिए समाप्त हो जाएगा। देखिए इसकी अगर चर्चा की जाए, इसके बाद एक और क्वेश्चन अगर आपके सामने मैं लिखूं, एक और क्वेश्चन अगर मैं लिखूं तो अंडर रूट में, अंडर रूट में मान लीजिए 7 है, माइनस अंडर रूट में 7 है, प्लस अंडर रूट में 7 है, माइनस अंडर रूट में 7 है, और यही सिलसिला जा रहा है अनंत तक। अब देखिए आज शुरुआत होती है माइनस से, वो तो एज इट इज ही आएगा 4x माइनस 3, लेकिन यहाँ पर x का काम कौन करेगा 7, अब 4 सत्य हो जाएगा 28, 28 में से 3 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 25,
28 में से 3 घटा दीजिए कितना जाएगा 25, और माइनस है तो माइनस 1 बटा में कितना जाएगा 2। हो सकता है आप इसको सॉल्व भी करवाएं, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग 5 - 1 इस तरीके से आपका जो भी है आंसर आ जाएगा। बहुत बेहतर तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए एक और सवाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक और सवाल जब मैंने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए मैंने कहा अंडर रूट में 8 प्लस, या अंडर रूट में कर लीजिए 10 प्लस अंडर रूट में 10 माइनस अंडर रूट में 10 प्लस अंडर रूट में 10, और ये बात चलेगी कहाँ तक, अनंत तक। हम जानते हैं 4x माइनस कितना करना है, 3 4 दाई कितना होगा 40, 40 माइनस 3, 40 माइनस 3 कितना होगा 37, 40 माइनस 3 होगा 37, अंडर रूट में 37। शुरुआत कहाँ से हो रही है, प्लस से शुरुआत हो रही है, प्लस से, इसलिए प्लस का 1 और बटा में कितना आएगा 2। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो देखिए पार्ट बी की हमारी शुरुआत हुई, पार्ट बी के अंदर हम लोग देख रहे हैं, पार्ट बी की जो हमारी शुरुआत हुई, पार्ट बी के अंदर हमने देखा कि 5 फॉर्मेट हमें पढ़ने थे, 5 फॉर्मेट हमें पढ़ने थे, कौन कौन थे, जब अनंत तक श्रेणी जा रही है अंडर रूट के अंदर और या तो प्लस दे रखा हो या माइनस दे रखा हो या गुणा हो या प्लस, शुरुआत प्लस से होकर के फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस एकांतर क्रम में दे रखे हों, और या फिर शुरुआत माइनस से होकर के माइनस प्लस माइनस प्लस एकांतर क्रम में दे रखे हों, पांचों के लिए क्या क्या चर्चा की जा सकती है, क्या क्या हम कर सकते हैं, उन बातों पे हमने चर्चा की। तो पिछली और ये वीडियो जो हमारी हुई, पिछली वीडियो में हमने घात घातांक और करणी का पार्ट ए देखा, इस वीडियो में हमने घात घातांक करणी का पार्ट बी देखा। देखिएगा आप धीरे धीरे सारे के सारे पार्ट आपके सामने आएंगे, जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए इसको शुरुआत करने का, इसको पढ़ाने का कारण क्या है, इसको पढ़ाने का कारण ये है क्योंकि हम, चाहे हम कहें या कई अध्यापक कहें, इसको बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, हम इसे बहुत लाइटली ले लेते हैं, अरे इसके क्वेश्चन तो यूं ही आ जाएंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब परीक्षा में इसके क्वेश्चन आते हैं तो हम उलझ जाते हैं, और मैथमेटिक्स में तो एक एक दो दो नंबर अगर हम छोड़ के आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए। सपोज किसी परीक्षा में 50 क्वेश्चन आए तो 50 में से 50 ही हमें आने चाहिए, 50 में से 50 का स्कोर हमें करना है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होगी। 5 फॉर्मेट हमने पढ़े, 5 के 5 आपको बहुत बेहतर तरीके से याद रहेंगे, आप गुणनखंड बहुत बेहतर तरीके से कर लेंगे, दोनों का अंतर अगर एक आ रहा है तो प्लस वाली सीरीज में मुझे पूरी उम्मीद है आप बड़ा वाला टुकड़ा आंसर कर दोगे, और माइनस वाली सीरीज में आप छोटा वाला टुकड़ा आंसर कर देंगे। और अगर अंतर में एक नहीं आया तो आप लोगों को सूत्र बताए गए हैं, आप लोगों को सूत्र बताए गए हैं, अगर प्लस वाली श्रेणी आती है तो अंडर रूट में 4x प्लस 1 बटा कितना आ जाएगा 2, और अंडर रूट में 4x प्लस 1 माइनस 1 बटा कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से आपको बताया गया कि अगर प्लस से शुरुआत हो रही तो प्लस माइनस से हो रही तो माइनस प्लस। इन बातों का रिवीजन करते रहिए, साप्ताहिक मासिक तरीके से आप लोग रिवीजन करेंगे तो आप देखिएगा कितना बेहतर तरीके से आप अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, देखेंगे अगली क्लास में इससे आगे का पार्ट कैसे होगा, किस तरीके से इसके आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।